Dear students, good morning to all of you. I hope you are all safe. Welcome to our next video. Keep watching the short and sophisticated video till end to gain more knowledge. Let's start the video. आपका कर रहे हैं यूनिट 5 बेन स्टडी 2 चैप्टर 8 स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन का ढांचा. टुडे आप टॉपिक करने जा रहे हैं, तीन ब्रीफ टॉपिक करेंगे. आप फर्स्टली करेंगे आप डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. रेखा ते स्टाफ संगठन में आप अंतर पता करेंगे. लाइन एंड स्टाफ कंफ्लिक्ट पता करेंगे. रेखा ते स्टाफ दे विच जिहड़े मैंबर्स होंदे उन्हां तकरार की होंदी है. नंबर 3 ते की आप करेंगे इस लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर टू लाइन ऑर्गेनाइजेशन. पता करेंगे भी रेखा ते स्टाफ संगठन उपर ने सुपीरियर ने की दे रेखा संगठन दे. सो पहले आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक 1 डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. इस तो पहले आप इसका मीनिंग क्लीयर करते हैं. जे आप लाइन ऑर्गेनाइजेशन की गल करिए तो इसके मेन फीचर की होंगे ने. इस जॉब पोजिशन सैट की जाने अथॉरिटी एंड रिसपोंसीबिलिटी का फ्लो की होंगे वा. जी अथॉरिटी है वो नीचे फ्लो करती है तो रिसपोंसीबिलिटी नीचे तो उपरों फ्लो करती है. तो इस यूनिटी ऑफ कमांड यूज़ किया जाता है. तो लाइन एंड स्टाफ का वेखिए तो इस मेन गल की आती है. लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो यह है ही है. इस यूनिटी ऑफ कमांड भी आप फॉलो करते हैं. पर जो स्टाफ आ स्टाफ का इस फीचर की होंगे भी आप इतने स्पैशलिस्ट रिक्रूट करते हैं. सो पहला डिफरेंस पता करते हैं. पहला डिफरेंस कर रहे हैं आप स्पैशलाइजेशन भी कि ऑर्गेनाइजेशन स्पैशलाइजेशन होंगी है कि नहीं होंगी. जी लाइन ऑर्गेनाइजेशन उस आलमोस्ट नैगलीजिबल स्पैशलाइजेशन क्योंकि आप इतने स्पैशलिस्ट रिक्रूट नहीं किए. सो इतने नैगलीजिबल अपने को स्पैशलाइजेशन होंगी है. इस मॉडरेट टू हाई लैवल की हाई स्टैंडर्ड लैवल की स्पैशलाइजेशन होंगी. इस आप स्टाफ रिक्रूट किया जो स्पैशलाइजेशन प्रोवाइड करता है जिमें कि स्पैशलिस्ट. नंबर 2 तो क्या इकोनमी मतलब कि अपनी बचत होंगी है कि चला सौखा है. जी लाइन ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रक्चर छोटा होंगे इसलिए इकोनॉमिकल टू ऑपरेट करने लिए क्योंकि आप किसी भी तरह के बाले ऑफिसर्स नहीं है. ओनली लाइन अथॉरिटी वाले लाइन ऑफिसर्स ने. दैन लाइन एंड स्टाफ की है एक्सपेंसिव टू ऑपरेट आ क्योंकि इस दो तरह के ऑफिसर्स ने लाइन ऑफिसर्स भी ने ते स्टाफ ऑफिसर्स भी ने. नंबर 3 ते की है अथॉरिटी. अथॉरिटी मतलब इस किस तरह की होंगी है. जी सेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन उस सेंट्रलाइज होंगी है अथॉरिटी. सेंट्रलाइज मीनस थोड़े लोगों के कोल पावर होंगी है जिहड़ा कि एक खास लैवल जिवें मैनेजर है तो उस को ही सारी पावर है. तो वो पावर थोड़े हथा में होंगी है. तो आप कहने उन्होंने सेंट्रलाइज्ड ये होंगी है. रेशनलाइज्ड रेशनलाइज मतलब डिस्ट्रीब्यूट की जाती है स्टाफ ऑफिसर्स ते लाइन ऑफिसर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वधिया तरीके नाल भी जिन्ना जिनी उन्होंने योग्यता वा उस अनुसार उस अथॉरिटी डिवाइड किया जाता है. नंबर 4 ते डिफरेंस की है वर्कलोड भी कि जोड़े वर्कलोड वाद हों मैनेजर्स के कैस से घट हों. जिमें लाइन ऑफिसर्स ओवरबर्डन होंगे क्योंकि वो सिर्फ लाइन ऑफिसर सारे काम लाइबल होंगे ने मतलब उन्होंने प्लैनिंग भी करनी तो डूइंग भी करनी है. तो उ चीज़ वर्कलोड इस डिवाइड कर दिता जाता रीजनेबल डिवाइड किया जाता है. वो इस किमें डिवाइड किया जाता क्योंकि जोड़े लाइन ऑफिसर्स होंगे वो डिसीजन मेकिंग का काम करते. जो स्टाफ ऑफिसर्स होंगे वो स्पैशलाइज एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करने का काम करते. इस दैन की है सुटेबिलिटी. जी लाइन ऑर्गेनाइजेशन समॉल एंटरप्राइज स्टेबल आ क्योंकि इस कॉस्ट घट होंगी है. तो समॉल जे एंटरप्राइज इस फेस कर सकते घट कॉस्ट नू ते वो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन लागू भी कर सकते हैं. पर जी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होंगी है वो लार्ज एंटरप्राइज तो मीडियम आ जोड़े उन्होंने लागू होनी करनी पैंती है क्योंकि इस कॉस्ट भी होंगी है. स्टाफ ऑफिसर्स भी आप रिक्रूट करने थे, लाइन ऑफिसर्स भी आप रिक्रूट करने ने. नैक्सट अपने को डिफरेंस आ रहा सिंपलिसिटी का भी सधारण कि चीज़ सधारण होंगी कि ऑर्गेनाइजेशन सधारण है तो कि नहीं सधारण. सिंपलिसिटी कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिंपलिसिटी है क्योंकि सिंस देयर एग्जिस्ट ओनली लाइन अथॉरिटी. इस कल्ली लाइन अथॉरिटी होंगी है तो यह सिंपल आ. इस स्ट्रक्चर जो हों कंपलैक्स हों क्योंकि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों एग्जिस्ट कर दी ने. लाइन ऑफिसर्स भी ने इतने तो स्टाफ ऑफिसर्स भी ने इतने. दैन की कंफलिक्ट कंफलिक्ट या तकरार होने के चांस कि होंगे है. लाइन ऑफिसर्स कल ओपरेट कर रहे हैं तो इतने नो फीयर ऑफ कंफलिक्ट. इतने किसी तरह का झगड़ा होने का कोई भी डर नहीं है. आपको इतने डेंजर होंगे वा ऑफ कंफलिक्ट बिटवीन लाइन जेडे ऑफिसर तो स्टाफ ऑफिसर्स उन्होंने आपकी अथॉरिटी रिसपोंसीबिलिटी प्रति उन्हों का कंफलिक्ट हो सकते हैं. नंबर 8 है डिसिप्लिन.
ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਲੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਫਲਿਕਟ ਜਿਵੇਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਆ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟੋਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਕੰਫਲਿਕਟਸ। ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸੰਗਠਨ ਚ ਤਕਰਾਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਅਜੰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ? ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ਦੈਟ, ਇਹ ਅਜੰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸਲੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਊ ਐਵਰ ਦ ਕੰਫਲਿਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀਸ ਟੂ ਅਰਾਈਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਮੰਗ ਦੈਮ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਫਲਿਕਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਫਲਿਕਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਕੋਜ਼ਸ ਆਫ ਕੰਫਲਿਕਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ, ਅਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ। ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਉਹ ਟੇਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਡੂ ਨੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਆਫ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਆ, ਗਿਵ ਐਡਵਾਈਸ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਪੁੱਟ ਇਨ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੀ ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆ। ਤੀਜੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਅਨਡਿਊਲੀ ਅਸਰਟ, ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਨਰੋਚ ਅਪੋਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰ। ਇਨਰੋਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਅਫਸਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਅਫਸਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਗਿਵ ਐਡਵਾਈਸ, ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਟ ਕੰਪੈਲ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਪੈਲ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਨ ਅਫਸਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੀਆਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਕੰਸਲਟ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰ, ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਰਿਸੋਰਟ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਆਰ ਨੋਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਇਨ ਦਾ ਟਰੂ ਸਪਿਰਿਟ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਆ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਉਹ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਝਿਜਕਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ।
नंबर चार ते की कह रही है, जेडे लाइन ऑफिसर्स स्टाफ ऑफिसर्स डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी लाइक स्टाफ लाइन ऑफिसर्स, लाइन स्टाफ ने उन्होंने कोई अथॉरिटी नहीं भी, जेडे स्टाफ ऑफिसर उन्होंने को किसी तरह की अथॉरिटी नहीं भी वो आपकी गल में इंप्लीमेंट करा सकन, तो सुपरवाइजिंग सुजैशन जो सुजैशन उन्होंने दिखाई गई उन्होंने सुपरवाइज कर सकन तो उन्होंने मना सकन। इस तरह ये जो ऑब्जेक्शन कि द्वारा लगाए जा रहे हैं स्टाफ ऑफिसर्स, इस तरह दोनों मतलब जो लाइन ऑफिसर से स्टाफ ऑफिसर दस रहे हैं भी साढ़े बच्चे कॉन्फ्लिक्ट की कारण है, तो ऑब्जेक्शन दोनों धिरों वालों आ रही ने भी वो एक दूजे तो सैटिस्फाई नहीं, इस तरह उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे ने। नंबर तीन पर आप टॉपिक कर जा रहे हैं इस लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइजेशन सुपीरियर टू लाइन ऑर्गनाइजेशन, की जी रेखा रेखा ऑर्गनाइजेशन कली है रेखा तो स्टाफ ऑर्गनाइजेशन वह सुपीरियर रेखा संगठन तो यदा आंसर की है यस यस क्यों ये आंसर आप पढ़ते हैं जेडे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइजेशन इज सुपीरियर टू लाइन ऑर्गनाइजेशन मतलब जी वी है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइजेशन दो ऑर्गनाइजेशन तो मिल के बनी है तो ये कली है लाइन ऑर्गनाइजेशन बिकॉज इट लिमिटेड्स द ड्रॉबैक्स ऑफ लाइन ऑर्गनाइजेशन जी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइजेशन आ ड्रॉबैक्स आ लाइन ऑर्गनाइजेशन के मतलब जी लाइन ऑर्गनाइजेशन तो घाट रही है वो कौन पूरी करती है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइजेशन सो ऑटोमैटिकली इस गल तो पता लग रहा भी जी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइजेशन वो सुपीरियर आ लाइन ऑर्गनाइजेशन तो एंड इट इन अदरवर्ड्स आप कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स द बेनीफिट्स ऑफ स्टाफ स्टाफ ऑर्गनाइजेशन का बेनीफिट भी प्रोवाइड करती है स्पैशलाइजेशन लाइन ऑर्गनाइजेशन तो है ही है पर स्टाफ का भी मतलब स्पैशलिस्ट स्पैशलाइजेशन का भी रोल अदा कर रही है तो जी लाइन तो स्टाफ ऑर्गनाइजेशन सुपीरियर आ लाइन ऑर्गनाइजेशन तो हम आप ये बेस से कह सकते हैं ये वाले स्टैप पढ़ते हैं। नंबर तीन पहले तो आ रही है जोड़े स्टाफ ऑफिसरस आ प्रोवाइड स्पैशलाइज सर्विसिज स्पैशलाइज सर्विसिज प्रोवाइड करते हैं टू लाइन ऑफिसर टू रिजोल्व रिजोल्व मतलब सोल्यूशन करने लिए टू द कॉम्प्लीकेटड मैटर्स जोड़े स्टाफ ऑफिसर वो की मदद करते हैं स्पैशलाइज सर्विसिज प्रोवाइड करते हैं लाइन ऑफिसर की सॉल्व करने कॉम्प्लीकेटड मैटर्स जेडे कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइजेशन ने मतलब प्रोवाइड करने ने। नंबर दो ते कि हेल्प्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ जेडे लाइन ऑफिसर जी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइजेशन वो एक्सपेंशन के ग्रोथ में मदद करती क्योंकि इस स्पैशलिस्ट आते स्पैशलिस्ट ही आप इनफॉर्मेशन उन्होंने तो उन्हें एक्सपर्ट एक्सपर्टनेस वरत के आप ऑर्गनाइजेशन की एक्सपेंशन से ग्रोथ कर सकते हैं। नंबर तीन ते लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइजेशन अपन की बेनीफिट प्रोवाइड कर रही है जी लाइन ऑफिसरस आ मे पे मोर अटेंशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटरस बिकॉज ऑफ स्टाफ ऑफिसर स्टाफ ऑफिसरस ने इतने ने तो उन्होंने काम की है सोचना तो एडवाइस प्रोवाइड करना तो जो वो एडवाइस प्रोवाइड करे तो जी लाइन ऑफिसरस वो कि वाल ध्यान दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बाकी तरह के मैटर आ एडमिनिस्ट्रेटिव लैके प्रशासन चलाने रिलेटिड जोड़े बाकी तरह के मैटरस आ किसी भी तरह के कॉम्प्लीकेटड मैटरस आ तो उन्होंने बारे लाइन ऑफिसर सोच रखते हैं वो ता ही सोच सकते हैं जो थोड़े जे वर्कलोड तो मतलब फ्री ने तो वो वर्कलोड फ्री किमें हो रहे हैं स्टाफ ऑफिसर की वजह करके जेडे कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइजेशन आते हैं। नंबर चार ते की है रेशनलाइज द डिवीजन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑफिसर लाइन तो स्टाफ ऑर्गनाइजेशन करके ही रिलेशनलाइज होंगी है मतलब वधिया तरीके सही तरीके डिवीजन होंगी अथॉरिटी तो रिस्पोंसिबिलिटी की जी कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइजेशन होंगी है जिवें लाइन ऑफिसरस ने डिसीजन लेना आने लिए तो स्टाफ ऑफिसरस ने उन्होंने एडवाइस प्रोवाइड करनी है। नंबर पाँच इतने की कह रहे हैं भी जो डिसीजन मेकिंग इज डन ऑन स्पैशलाइज सर्विसिज स्पैशलाइज सर्विसिज से प्रोवाइड की जाती है डिसीजन मेकिंग जी कि लाइन ऑफिसरस ने लैनी होंगी डिसीजन मेकिंग की पॉलिसी कि लाइन ऑफिसरस वालों तो स्पैशलाइज सर्विसिज कि बेस्ड होंगे वा स्पैशलिस्ट जेडे कि ये होंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइजेशन। सो ये आप टॉपिक कर रहे थे इस लाइन एंड स्टाफ ऑर्गनाइजेशन सुपीरियर टू लाइन ऑर्गनाइजेशन यद आंसर थी यस जी लाइन तो स्टाफ ऑर्गनाइजेशन आ सुपीरियर आ टू लाइन ऑर्गनाइजेशन। सो एट द एंड स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल लाइक कमेंट एंड शेयर द चैनल स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू हैव ए नाइस डे हैड।